हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। और मैं कांता, और मेरे पास है ये लगा हुआ है जो कि मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। इस प्लांट का नाम है लालसा, और देखो कितना सुंदर लग रहा है लगा हुआ। और ये मैंने किस में लगाया हुआ है, ये पॉट वगैरह नहीं है मेरे पास, जो चाय के जग होते हैं ना, जो चाय जिसमें गर्म रखते हैं हम, सर्दियों में रखते हैं, अपने पास गर्म चाय रहती है, उसका हैंडल वगैरह मैंने ये सब तोड़ दिया था। ये साइड में हैंडल है, देखो ये हैंडल है यहाँ पे, तो मैंने तोड़ दिया था। और उसमें ये डंडियाँ लगाई हुई थी, मैं नीचे उतार के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे इसमें मैंने डंडी लगाई थी, चार पांच ही, आप देखो कितनी डंडी लगाई हुई है, पांच सात डंडियाँ लगाई हुई थी, और उसी से ये घना हो गया है। और कितना अच्छा लग रहा है, आप देखो कि इनमें कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ग्रीन लगे हुए हैं और ये लाल लगा हुआ है यहाँ पे। और ये है मेरे पास लालसा, ये बड़े पॉट में है, ये प्लास्टिक का पॉट है, ये भी मेरे पास पानी के कंटेनर रखा था उसके अंदर लगाया हुआ है। और इसमें ये ओलियंडर का प्लांट है, और ये है शंख पुष्पी बेल है, इसी में लगी हुई है। आप देखो ये ओलियंडर का प्लांट ना इसी में गया हुआ है, ये इसी में लगा हुआ है। और ये साइड में डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा साइड में कर दूँ मैं इसको ये। और इसी में ही, हाँ ये ओलियंडर का है और ये लालसा है, ये भी मैंने कटिंग से लगाया। अब मैं परचेज बहुत कम प्लांट करती हूँ, सिर्फ मैं कटिंग से ही लगाती हूँ। ये भी देखो इसी में से तोड़ तोड़ के, जैसे बड़ी 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 ब्रांच हो जाती है ना, ये ब्रांच ना बड़ी बड़ी होती रहती है, इन्हीं को कट कर करके मैं लगा देती हूँ। इन्हीं में से कट करके मैंने लगाया हुआ है, और ये देखो कितना अच्छा लगा है। और मैं सिर्फ पता है क्यों, कोई केमिकल वगैरह खाद नहीं देती, मैं सिर्फ गोबर की खाद वगैरह देती हूँ इसमें। मिट्टी 1% मिट्टी होती है और 1% गोबर की खाद, मतलब 50% मिट्टी है, 50% इसमें गोबर की खाद है, और कोई मैं कुछ नहीं डालती हूँ अपने प्लांट में। और ये है, हाँ पानी वगैरह, जैसे चावल का पानी है, दाल का पानी है, और ये बनाना पील है, और ये ऑनियन का पील है, इनके छिलके का पानी है, ये बस ये वगैरह घर के जो मेरे होती है, घर के जो निकलती है वेस्ट वगैरह, उन्हीं को मैं पानी में डाल के और उनको ओवरनाइट सोक करके ना, तब मैं उनमें डाल इनमें डाल देती हूँ। जैसे चावल में बनाती हूँ तो वो पानी इकट्ठा करके इनमें डाल देती हूँ पौधे वगैरह में, और कुछ नहीं डालती। मैंने कभी कोई खाद नहीं डाली है, सिर्फ गोबर के अलावा इसमें गोबर खाद डालती हूँ मैं शुरू से ही। मुझे 6-7 साल हो गए ये प्लांट लगाए हुए, और मैं तब से ही इनमें 6-7 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, अब तो ये 15 साल के हो गए, उससे छोटे छोटे थे, 3-4 साल के थे, तब से मैं प्लांट में इंटरेस्ट रखने लगी हूँ, और तब से ही मैंने ये लगाया है। मतलब मेरी सास थी, मैं इतना गौर नहीं करती थी तब, बस लेती थी और कोई माली से खाद वगैरह डलवा लेते थे, मैं कुछ इनमें इंटरेस्ट नहीं रखती थी, कि बस अच्छे लगते थे प्लांट। और उसके बाद पता नहीं मुझे क्यों इंटरेस्ट होता गया इनमें, तो फिर उसके बाद तब से मैंने पौधों के बारे में जानकारी लेनी शुरू की है, तब से मैंने सिर्फ इसमें गोबर की खाद ही यूज़ करी है और कुछ नहीं की है। ये जितने भी मेरे प्लांट लगे हुए हैं सब में गोबर की खाद है, किसी में कोई केमिकल नहीं है, मेरे पास कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करती। तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं, सिर्फ कटिंग से लगा सकते हैं, ये कटिंग से बहुत अच्छे से चलने वाले हैं, लेकिन इनकी मिट्टी ना मॉइस होनी चाहिए, और ये थोड़े बरसात में जल्दी से ग्रो कर जाते हैं, तो बरसात में अगर लगाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गर्मी के सीज़न में तो ये सूख जाते हैं सारे, गर्मी के सीज़न में सूख जाते हैं, और तो गर्मी में तो लगाने नहीं चाहिए, तब बरसात का मौसम हो तब ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इन्हीं में देखो ये बेल वगैरह अपने आप ही झड़ झड़ के ना, ये शंख पुष्पी बेल है, अपने आप ही झड़ झड़ के लगी हुई है। तो मेरे पास ये तीन थे, दो रह गए हैं अभी मेरे पास, एक किसी ने मांग लिया था तो मैंने उसको दे दिया। कितना अच्छा लगा हुआ है, वैसे एक के अंदर तीन प्लांट लगे हुए हैं, सिर्फ एक में एक नहीं है, तीन प्लांट है, और ऊपर से आपको दिखाती कितना अच्छा लग रहा है ये, है ना। तो आप भी ऐसे लगा